सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बस कुछ ही देर बाकी है, शुभ मुहूर्त में पूजा करने से मिलेगा दो गुना फल। पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत होंगे। आइए जानते हैं 6 सितंबर को जो तीज व्रत रखा जा रहा है, महिलाएं पानी कब पिएंगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा पूजा विधि का, आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में कई सारे त्यौहार पड़ते हैं, इनमें से हरतालिका तीज का अपना एक अलग महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज होती है। ऐसे में धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक का वैवाहिक जीवन सदैव खुशहाल होता है, पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। भगवान शिव मात पार्वती की भी पूजा इस दिन की जाती है। तो आइए हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। जब आपको पूजा पाठ करना है शाम के समय 16 श्रृंगार करके, पंचांग अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुरुआत 5 सितंबर को ही हो जाएगी दोपहर 12:30 बजे और इस तिथि का समापन 6 तारीख को होगा दोपहर 3:21 पर। इस वजह से हरतालिका तीज का व्रत 6 तारीख को रखा जाएगा। अन्न जल त्यागना पड़ता है पूरे 24 घंटे। तो आपको बता दें, सिर्फ पूजा का जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:33 तक का रहेगा, यानी 2.5 घंटे सुबह पूजा करने का मुहूर्त है। हालांकि आपको सिर्फ इसमें स्थापना करनी होती है, विधिवत पूजा जो है वो शाम को प्रदोष काल में होगी। पूजा आप कैसे करेंगे? हरतालिका तीज के दिन सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करिए, साफ कपड़े पहनिए, सूर्यदेव को जल अर्पित करिए। इस दौरान सूर्यदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। घर और मंदिर की साफ सफाई करिए। चौकी पर भगवान शिव माँ पार्वती को विराजमान करिए। विधि पूर्वक महादेव का अभिषेक करिए। बेलपत्र धतूरा उनको चढ़ाइए। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करिए, लेकिन ध्यान रहे ये 16 श्रृंगार के सामान आपको शाम को अर्पित करने हैं। देसी घी का दीपक जलाइए। हरतालिका तीज व्रत का कथा आप जरूर सुनिएगा, कथा का पाठ करिएगा, साथ ही मंत्रों को जप करिएगा। अंत में प्रभु को खीर और फल समेत आदि चीजों का भोग लगाइएगा। पार्वती जी के पूजा का जो मंत्र है उसे जा लीजिए। ओम पार्वती नमः, ओम उमाय नमः, या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्तये 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 नमो नमः। पार्वती जी के मंत्र का पाठ करिएगा और साथ ही कथा जरूर सुनिएगा हरतालिका तीज का, और मन पूर्वक ध्यान पूर्वक आरती गाइएगा। ध्यान रहे कि हरतालिका तीज 6 तारीख को व्रत रखना है और 6 तारीख को पूजा पाठ करने के बाद जल ग्रहण करना होगा, पानी पीना होगा। बहुत सारे लोग अगले दिन सूर्योदय यानी 7 तारीख को पियेंगे। हालांकि आज सनातन धर्म में आज के प्रचलन में लोग पूजा करने के बाद ही जल पी लेते हैं, जैसे करवा चौथ में किया जाता है। सो आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई हो। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। हरतालिका तीज 6 तारीख को रहेगा। धन्यवाद।